नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एमटी का एग्ज़ाम है, कैटेगरी टू के रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर 2019 को है। तो उसके रिगार्डिंग यहां पे एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ हो चुके हैं। कल एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके थे, बट आई वॉज बिट बिजी, तो मैं आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जिसको नहीं पता है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जो अभी आपने सिटी फिल की थी उसमें वो आप अपनी चेक कर लें, देख लें कि वो आपको सिटी मिली है या नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर बात करें, एक बार देखते हैं क्लिक करके। आप FCI.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा टू डाउनलोड कॉल लेटर, क्लिक ऑन द जोन बिलो। तो जोन पे क्लिक कर लेंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव जोन है वहाँ पे आ जाएगा टू डाउनलोड कॉल लेटर, प्लीज़ क्लिक हेयर। तो एक छोटी सी बात यह कि आप पहले से पहले कॉल लेटर डाउनलोड कर लें, बाद में पिछली बार जो कैटेगरी 3 का रिक्रूटमेंट था बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि अभी आज ही कल में आप डाउनलोड कर लीजिए, बाद में कोई क्वेरी आप रेज ना करें। दूसरी बात यह कि इसको लैपटॉप में ओपन करें या कंप्यूटर में ओपन करें, फ़ोन में ये नहीं खुलेगा। तो इसलिए अच्छे से अपना डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लें, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ऑल्सो। आप अपने अच्छे से मेल में डाल लें। कई बार क्या होता है, जब आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाला होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो लास्ट में आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली। तो वहाँ पर आप फिर पूछते हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ से रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके रख लें। दूसरी बात यह कि इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो आपके पास अभी पूरे 15 दिन हैं। तो 15 दिन किसी प्री एग्ज़ाम को निकालने के लिए काफ़ी हैं। आप तैयारी के लिए इसमें IBPS का जो भी PO का प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या क्लर्क का भी प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेवल आपका मॉडरेट टू ईजी ही रहने वाला है। एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो प्री का जो लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है, या फिर कह सकते हो ईजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड लेवल आएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। आप 15 दिन की तैयारी के लिए मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो छोटी सी लेके आऊँगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा थोड़ा, कि हम किस तरीके से अगले 15 दिन को हम डेडिकेटेडली पढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर अपना माइंड सेट करके जो भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिवाइज़ कर लीजिए। लाइक क्वांट की बात करें तो अपने टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत क्विकली आपको आनी चाहिए, जिससे टाइम आपका बच जाए, लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें क्वांट में हेल्प करेंगी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने में। ऐसे ही रीजनिंग में भी क्या है कि आपकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो ABCD की नंबरिंग है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से थॉरली माइंड के अंदर होनी चाहिए, जिससे आपको एक सेकेंड भी वहाँ पर वेस्ट ना हो। ऐसे इंग्लिश में ये है कि अगले 15 दिन में तो इंग्लिश इंप्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपनी रीडिंग हैबिट को बरकरार रखिए। जो भी आपकी अच्छे से रीडिंग हैबिट है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो रीडिंग को कंटिन्यू करते रहिए और आपका यहाँ पे जो भी जो इंग्लिश की तैयारी के लिए आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बताई अभी, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो तीनों चीज़ों के लिए आप अच्छे से कर सकते हैं। तो रिवीजन का टाइम है, मॉक टेस्ट देने का टाइम है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है यहाँ पे कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं उतने आ रहे हैं। आपको फोकस करना है एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आ रहा है, तो वो पता लग जाएगा। एक ही दिन में एग्ज़ाम है 4 शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट से अंदाज़ा लग जाएगा काफ़ी कुछ कि कैसे एग्ज़ाम वहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, बाकी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देता रहूँगा। व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9121815869, ठीक है। तो बने रहिए सिलेक्शन मेंटर के साथ, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। और उम्मीद करूँगा जो आपका कैटेगरी 3 का जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द अनाउंस हो जाए, विद इन 7 डेज 8 डेज, तो काफ़ी अच्छे से खुशियाँ आएंगी, आपका सिलेक्शन होगा। डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि परेशान होने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जो काम होना होगा वो टाइम पे अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन आपका काम है मेहनत करना। आप बने रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और काम आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।